गुड आफ्टरनून एवरीवन, टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग कैंडलस्टिक और फिर उसके बाद ट्रेंड इंडिकेटर्स, मतलब टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर हम लोग लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहली सीरीज हमारी कैंडलस्टिक की चल रही है, तो अभी ये हमारा 12th लेक्चर है। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेरिश हरामी पैटर्न के ऊपर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर 11 में हम लोग बेरिश हरामी पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, आज इस लेक्चर में हम लोग बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात है कि बुलिश हरामी पैटर्न बनता कब है, तो उसके लिए क्या होता है कि जब कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में लगातार गिर रही हो और आखिरी की कैंडल जो उस डाउन ट्रेंड की लास्ट कैंडल होगी वो एक लॉन्ग रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। उस रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनेगी जो उस रेड कैंडल की बॉडी के बीच में के अंदर बनेगी, बेसिकली बीच में या उस कैंडल के अंदर बनेगी। एक ही बात हो गई भी, अब आप चार्ट पे देखेंगे उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए ये जो लास्ट वाली कैंडल है, ये रेड कैंडल, इसकी बॉडी के अंदर ही एक छोटी बॉडी की कैंडल बनती है। उसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए, शेडो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस को हम लोग कैंडलस्टिक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल होता है, जो कि अभी तक डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड चल रहा था उसको रिवर्स करने की कैपेसिटी ये रखता है और उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। ये देखिए, ये जो डाउन ट्रेंड चला आ रहा था इसके बाद लॉन्ग एक रेड कैंडल बनी, इसके बाद जो छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, मतलब अंधेरी रात में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी कि शायद अब ये डाउन ट्रेंड को खत्म करेगी, तो बनी। इसको हम लोग इस दो कैंडलों को मिला के जो वो पैटर्न बनता है उसको हम लोग बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। हरामी वर्ड जो है बेसिकली ये चाइनीज डिक्शनरी से लिया गया है, तो इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। तो ये क्या करता है कि इस पूरे डाउन ट्रेंड को कन्वर्ट करके बुल ट्रेंड में चेंज कर देता है या अप ट्रेंड में चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि हम लोगों को ट्रेड लेते समय क्या सावधानी, क्या एंट्री पॉइंट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एंट्री पॉइंट, तो जो ये ऐसे तो बहुत से लोग यहां पे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है इसके ऊपर आपको एंट्री लेनी चाहिए। ये आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए और स्टॉप लॉस अगर ये ले रखा है तो उसकी किस्मत है कि बच जाए तो बच जाए, वरना ये तरीका गलत होगा। बेसिकली स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल, जो लॉन्ग रेड कैंडल थी, उसके नीचे आपको रखना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो ईश्वर का शुक्र मनाइए कि आपका एक बड़ा पैसा आप खोने से बच गए। लेकिन जब भी आप ट्रेड कीजिए तो स्टॉप एंट्री को दिमाग में रखने के साथ ही साथ आपके पास स्टॉप लॉस का मास्टर प्लान होना चाहिए कि मुझे यहां पे स्टॉप लॉस रखना है। इसी को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। मैक्सिमम अगर इस बैटल में आपको अपने को जीतना है, जीतते हुए देखना चाहते हैं, तो एक पहला है मनी मैनेजमेंट,
और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मनी मैनेजमेंट कि आपके पास कितना पैसा है और आपको कितने पैसे का ट्रेड लेना है। रिस्क मैनेजमेंट कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और उस स्टॉप लॉस को हमें फॉलो करना है। ये ना हो कि हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट, जब स्टॉप लॉस के पास आया हिट होने के लिए तो वहीं से हमने स्टॉप लॉस को खिसका के और पीछे कर दिया, ये कतई नहीं दी। हिट हो रहा है तो हिट होने दीजिए आप स्टॉप लॉस, तो आप एक अच्छा पैसा बनाने की कैपेसिटी रखेंगे। ये देखिए इसमें दोनों आ गए हैं, तो हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग पे एक एक करके बात करते हैं। ये हमारा डाउन ट्रेंड में, तो इसको पहचानने की पहली क्या है, पहला डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद जो लॉन्ग कैंडल बनेगी उसके बाद गैप अप हो और उसके बाद स्मॉल ग्रीन कैंडल बनेगी। एक ग्रीन कैंडल बन गई और ये इसको इन दो कैंडलों को मिला के इसको क्या बोलेंगे हम, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये यहां से ऊपर गया, फिर जब ऊपर जाने के बाद अब हम लोग बेरिश पे देखिए। अप ट्रेंड के बाद लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल उसकी बॉडी के अंदर बनी। अब उसके बाद देखिए डाउन ट्रेंड यहां से शुरू हो गया। ठीक है, तो पहली बात आप लोग ये जब चार्ट देखिए तो आपके आंखों में एक हैबिट हो जानी चाहिए कि हमें चार्ट में अलग अलग ग्रीन और रेड कैंडल नहीं दिखनी चाहिए। आपको इसके अंदर दिखना चाहिए क्या ये हैमर है, क्या ये डोजी है, क्या इन्वर्टेड हैमर है, जैसे इन्वर्टेड हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, बेरिश हरामी पैटर्न है या बुलिश हरामी पैटर्न ही है, बेरिश इनगल्फिंग है या बुलिश इनगल्फिंग है। जितनी भी चीजें आपको उस चार्ट के अंदर ग्रीन और रेड की जगह पे आपको उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक दिखना चाहिए कि वो किस टाइप से है, तो फिर आपकी आंखों को हैबिट पड़ जाएगा उस चीज को देखने की। तो चलिए इस लेक्चर में यहीं पे रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में किसी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।